अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं मोहम्मद तलहा और आप लोग देख रहे हैं तलाश में एकेडमी। आज इस वीडियो के अंदर मैं सेकंड ईयर का एक लेक्चर कवर करने वाला हूं और सेकंड ईयर में हमारा चैप्टर नंबर 15 इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स कंटिन्यू है। और आज के इस लेक्चर की बहुत इंपॉर्टेंस है, वजह यह है कि आमतौर पर हमारे पेपर के अंदर आने वाले टॉपिक्स में ये आज वाला जो टॉपिक है ये भी शामिल है, और वो है टॉपिक व्हीट स्टोन ब्रिज का। तो सबसे पहले नजर डाल लेते हैं कि व्हीट स्टोन ब्रिज एक्चुअली है क्या, किस तरीके से फॉर्म होता है। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि व्हीट स्टोन ब्रिज दरअसल है क्या। तो देखो, व्हीट स्टोन ब्रिज कंसिस्ट करता है रेजिस्टेंस पर, ठीक है। एक रेजिस्टेंस है R1, ठीक है, उसके एक सिरे से हमने जोड़ दी रेजिस्टेंस R2, और फिर उसके एक और सिरे से जोड़ दी एक रेजिस्टेंस R3, ठीक है, और फिर इस तरीके से हमने एक रेजिस्टेंस जोड़ दी R4। यानी कि हमें एक लूप की शक्ल में चार रेजिस्टेंस को जोड़ना है। व्हीट स्टोन ब्रिज बनाने के लिए हमने क्या करते हैं कि हम चार रेजिस्टेंस को इन फॉर्म ऑफ मैश और लूप ज्वाइन कर देते हैं, और फिर ज्वाइन करने के बाद जो है वो क्या करते हैं कि कोई से भी दो एंड्स में, मिसाल तौर पर यहाँ पे चार एंड्स बने ना, तो कोई से भी दो एंड्स के दरमियान में लगाते हैं एक गैल्वानोमीटर, और बाकी जो दो एंड्स बचे ना उनमें लगा देते हैं एक बैटरी को। तो ये जो सर्किट सामने बना हुआ नजर आ रहा है ना, इसी को कहते हैं व्हीट स्टोन ब्रिज। व्हीट स्टोन ब्रिज जिसमें चार रेजिस्टेंस को जोड़ा जाता है इन फॉर्म ऑफ मैश और लूप, और जो चार एंड्स बनते हैं उनमें से कोई से दो एंड्स के दरमियान में गैल्वानोमीटर लगाते हैं, इधर भी लगा सकते हैं, इधर भी लगा सकते हैं, और जो बाकी दो एंड्स बचते हैं उनके दरमियान में लगा देते हैं एक बैटरी। तो ये जो सर्किट है व्हीट स्टोन ब्रिज, इसी का काम है टू फाइंड एनी अननोन रेजिस्टेंस, यानी कि हम अननोन रेजिस्टेंस को मालूम कर सकते हैं व्हीट स्टोन ब्रिज की मदद से। उसके लिए सिर्फ क्या करना है, हमें हमें तीन ऐसी रेजिस्टेंस चाहिए जो कि हमें मालूम हो। फॉर एग्जाम्पल, हमें R1 पता है, हमें R2 पता है, हमें R3 पता है। तो अगर तीन हमारे पास नोन रेजिस्टेंस हैं तो उसकी मदद से हम चौथी रेजिस्टेंस को मालूम कर सकते हैं, जिसको फॉर एग्जाम्पल मैंने नाम दिया हुआ है R4। अच्छा, जरूरी नहीं है इसको आप R1, R2, R3, R4 नाम दो, बल्कि ये नाम कुछ और भी हो सकते हैं। लेट्स से पेपर के अंदर अगर आता है कि आप इसको नाम देते हैं PQR और X, आमतौर पे आता है कॉमन, तो मैं ये कहता हूँ कि आप सिर्फ रेजिस्टेंस का नाम चेंज कर सकते हो, PQR X या S, जो भी गिवन हो उस तरीके से सॉल्व किया जा सकता है, ठीक है। तो देखो होगा क्या अगर व्हीट स्टोन ब्रिज काम करेगा। फॉर एग्जांपल, यहाँ से करंट फ्लो करता है, बैटरी से करंट निकलता है I, ठीक है, यहाँ से जो टोटल करंट निकल रहा है वो बराबर है I के, तो जाहिर सी बात है यहाँ तक सेम करंट फ्लो करेगा। लेकिन फिर यहाँ आने के बाद ना, इस पॉइंट पर आने के बाद करंट के दो हिस्से हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, कुछ करंट इस तरफ जा रहा है जिसको हमने नाम दे दिया I1 का, और कुछ करंट इस तरफ जाएगा उसको हमने नाम दे दिया I2 का, और फिर वही करंट जो है वो यहाँ से फ्लो करता हुआ आता है इस तरफ, और यहाँ से जो I2 करंट है वो जाएगा इस तरफ। और हम कंसिडर ये कर रहे हैं कि फिलहाल गैल्वानोमीटर से कोई करंट पास नहीं हो रहा, यानी कि गैल्वानोमीटर से पास होने वाला करंट किसके बराबर है, वो बराबर है जीरो के, ठीक है, हमारी कंसिडरेशन है, ठीक है। हमने व्हीट स्टोन ब्रिज जो कंसिडर कराया उसमें गैल्वानोमीटर से कोई करंट पास नहीं हो रहा, सिर्फ यहाँ से R1 से और R3 से I1 करंट पास हो रहा है, और R2 और R4 से करंट I2 पास हो रहा है। और ये जो मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है ना, एक ऐसा व्हीट स्टोन ब्रिज जिसके गैल्वानोमीटर से कोई करंट पास नहीं होता, उसे कहते हैं एक बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज। एक ऐसा व्हीट स्टोन ब्रिज जिसके गैल्वानोमीटर से कोई करंट पास नहीं होगा। और क्यों नहीं होगा, यकीनन कोई ना कोई अरेंजमेंट हम करेंगे रेजिस्टेंस की ऐसी कि वो गैल्वानोमीटर से करंट पास ना होने दे। और वैसे भी आगे ये बात समझनी हम लोगों ने, ठीक है जी। द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर रेजिस्टेंस आर सो एडजस्टेड, इस तरह से एडजस्ट करते हैं कि कोई करंट फ्लो नहीं करता गैल्वानोमीटर से, और इसी केस को हम क्या कहते हैं, मैंने अभी भी समझाया, इसको हम कहते हैं बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज। एक ऐसा व्हीट स्टोन ब्रिज जिसको हम क्या कर चुके हैं, बैलेंस कर चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सर्किट डायग्राम नजर आ रही है, फाइंड कर लेते हैं कंडीशन क्या है फॉर बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज। फॉर अ बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज, जो वोल्टेज होगा अक्रॉस AB वो बराबर होना चाहिए वोल्टेज अक्रॉस AD के। देखो मैं कह रहा हूँ गैल्वानोमीटर से कोई करंट पास नहीं हो रहा, अगर गैल्वानोमीटर से कोई करंट पास नहीं हो रहा तो इसका मतलब पॉइंट B और पॉइंट D पर कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये बात हमने पढ़ी है ओम्स लॉ में कि करंट पास होता है जब पोटेंशियल डिफरेंस होता है। फिलहाल मैं कह रहा हूँ कि नो करंट फ्लोज थ्रू द गैल्वानोमीटर, गैल्वानोमीटर से कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा, इसका मतलब जो पोटेंशियल होगा एट पॉइंट B और जो पोटेंशियल होगा एट पॉइंट D वो इक्वल होगा, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, इसी वजह से करंट पास नहीं हो रहा। और अगर वाकई ऐसा है तो हम कह सकते हैं कि जो वोल्टेज होगा अक्रॉस AB और जो वोल्टेज होगा अक्रॉस AD वो दोनों बराबर होंगे, यानी कि A से लेकर B के दरमियान में जो वोल्टेज है वो बराबर होगा A से लेकर D के दरमियान के वोल्टेज से। तभी तो मैं कह रहा हूँ कि B और D के दरमियान में कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है। और फिर क्या होगी वैल्यू,
तो देखो पॉइंट ए से लेके पॉइंट बी तक वोल्टेज मालूम करना है, तो हमें पता है वी किसके बराबर होता है, वी बराबर होता है जितना करंट हो, वी इज इक्वल टू आई आर। तो फिलहाल जो इससे करंट पास हो रहा है वो कितना है, वो है आई वन के बराबर, और रेजिस्टेंस कितनी है ए से लेके बी तक, वो है आर वन के बराबर। तो जहाँ पे वी ए बी आ रहा था वहाँ पे आ जाएगा आई वन इंटू आर वन। और इसी तरीके से जब वोल्टेज अक्रॉस ए डी मालूम करना है, ए से लेके डी तक का वोल्टेज, तो यहाँ से करंट पास हो रहा है आई टू के बराबर और रेजिस्टेंस आर टू है, तो वी ए डी बराबर हो जाएगा आई टू आर टू के। लेट्स से दिस इज आर इक्वेशन नंबर वन। नाउ हम ये भी जानते हैं कि अगर करंट पास नहीं हो रहा, गलवानोमीटर की पोजीशन को हम चेंज भी कर सकते थे। तो इसका मतलब जो वोल्टेज होगा अक्रॉस ए बी और ए डी, वही वोल्टेज होगा अक्रॉस बी सी एंड सी डी। यानी कि फिर वही बात है, बी और डी के दरमियान में कोई अगर पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, तो इसका मतलब यह है कि बी और सी का जो पोटेंशियल होगा वो सी और डी तक के पोटेंशियल के बराबर होगा, जिसको यहाँ पे मैंने लिखा है वोल्टेज अक्रॉस बी सी एंड वोल्टेज अक्रॉस सी डी। और फिर वही बात है, फॉर्मूला है वोल्टेज का वी इज इक्वल टू आई आर, तो इसी वी इज इक्वल टू आई आर को यूज करेंगे। तो जरा देखो वोल्टेज कितना है अक्रॉस बी सी, बी से लेके सी तक का वोल्टेज कितना है, तो वो होगा वी इज इक्वल टू आई आर। तो करंट फ्लो कर रहा है आई वन और रेजिस्टेंस है आर थ्री, तो इसी वजह से हम क्या करेंगे, हम वी बी सी की जगह पे लिख देंगे आई वन आर थ्री। बी और सी के दरमियान का वोल्टेज, करंट है आई वन और रेजिस्टेंस है आर थ्री के बराबर। और इसी तरीके से जब बारी आएगी सी डी की, तो करंट कितना पास हो रहा है सी डी से, सी डी से करंट पास हो रहा है आई टू, और सी और डी के दरमियान की जो रेजिस्टेंस है वो कितनी है, वो है आर फोर। तो इसी तरीके से यहाँ पे आ जाएगा आई टू इंटू आर फोर। लेट से दिस इज आर इक्वेशन नंबर टू। दो इक्वेशन आ गई। अब कंडीशन फाइंड करने के लिए, बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज के लिए, इन दोनों इक्वेशंस को हम कराएंगे डिवाइड। जैसे डिवाइड कराएंगे इक्वेशन नंबर वन को इक्वेशन नंबर टू से, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा ऊपर आई वन आर वन इज इक्वल टू आई टू आर टू, यहाँ पे आ जाएगा आई टू आर थ्री इज इक्वल टू आई टू आर फोर। ठीक है जी, तो हमारे पास क्या क्या कैंसिल हो गया, यहाँ पे आई वन आना चाहिए, आई वन आर थ्री, ठीक है, आर थ्री से आई वन करंट पास हो रहा है, तो यहाँ पर आई वन से आई वन होगा कैंसिल और आई टू से आई टू होगा कैंसिल, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा आर वन अपॉन आर थ्री इज इक्वल टू आर टू अपॉन आर फोर, जिसको हम रीअरेंज भी कर सकते हैं। हम इसको रीअरेंज करके लिख सकते हैं, आर वन अपॉन आर टू भी आ सकता है, आर थ्री इधर जाके मल्टीप्लाई हो सकता है, आर टू इधर आकर डिवाइड हो सकता है, ठीक है, ये भी काम किया जा सकता है। तो ये जो कंडीशन लिखी हुई नजर आ रही है, ये दोनों ही कंडीशन, या ऊपर वाली या नीचे वाली, दोनों ही कंडीशन जो है, इन कंडीशन को कहते हैं कंडीशन फॉर बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज, ठीक है। और याद रखो, अगर हमें मैग्नीट्यूड तीन रेजिस्टेंस का पता है, मिसाल तौर मुझे आर वन पता है, आर टू पता है, आर थ्री पता है, तो मैं मालूम कर सकता हूँ वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस आर फोर। और यही काम था व्हीटस्टोन ब्रिज का, कि हम वैल्यू ऑफ एनी रेजिस्टेंस फाइंड कर सकें। लेकिन मैंने बताया वैल्यूज ऐसे एडजस्ट करनी है आर वन आर टू आर थ्री की, कि जो गैल्वानोमीटर है कोई वो डिफ्लेक्शन ना दे, ताकि फिर हम आर फोर की वैल्यू को फाइंड कर सकें विद द हेल्प ऑफ कंडीशन फॉर बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। दैट्स इट, आई होप आज के लेक्चर आपको क्लियर हो गया होगा। कोई कन्फ्यूजन रह गई हैं तो बिल्कुल लिखो कमेंट सेक्शन में, मैं इंशाल्लाह रिप्लाई करूंगा। प्रैक्टिस करते रहो, देखते रहो तलाश वैसा कैंडमी। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।